नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। यातायात प्रभारी प्रवीण यादव ने सोमवार को पुलिस कर्मियों के साथ नगर के विभिन्न स्थानों पर वाहन चेकिंग किया। इस दौरान विभिन्न अनियमितताओं में 250 वाहनों का चलान करके साथ ही 5,000 जुर्माना काटा। इस दौरान यातायात माह के तहत श्री यादव ने लोगों में पंपलेट का वितरण कर यातायात के प्रति जागरूक किया। अपील की कि किसी भी हाल में बिना हेलमेट के बाइक न चलाएं। खुद की सुरक्षा के लिए हेलमेट अवश्य लगाएं। वाहन चलाते समय आगे के वाहन से 10 मीटर की दूरी बनाए रखें, जिससे किसी दुर्घटना से बचा जा सके। किसी भी हाल में शराब का सेवन कर वाहन न चलाएं। वाहन चलाते समय मोबाइल से बात न करें। बाइक पर 3 सवार सवारी कदापि न चलें। अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं ने पूर्व निर्धारित प्रदेशव्यापी कार्यक्रम के तहत सैदपुर ब्लॉक पर सोमवार को धरना दिया। इस मौके पर संगठन के जिलाध्यक्ष नंदकिशोर बिंद ने कहा कि योगी सरकार गरीबों को काम तो नहीं दे रही है, भुखमरी फाका कसी की मार झेल रहे गरीबों से कर्ज की जबरिया वसूली के साथ मनमानी बिजली बिल भेजकर वसूली की जा रही है। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं सहित किसानों द्वारा लिए गए केसीसी कर्ज की वसूली पर मार्च 2021 तक रोक लगाकर कर्ज माफ करने तथा 200 दिन तक गांव में काम देने, 500 रोजाना मजदूरी देने, प्रति यूनिट 15 किलो राशन देने, दाल तेल मसाला मुफ्त में देने की मांग उठाई। इस अवसर पर माले के जिला सचिव राम प्यारे राम, सरोज यादव, शिव कुमार कुशवाहा, राम जन्म वनवासी, घुरभारी मास्टर, मुस्तफा मास्टर, किशन अमर, अच्छे लाल और डोमन ने विचार व्यक्त किया। संचालन आजाद यादव ने किया। सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट द्वारा संचालित लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम सोमवार को जिला चिकित्सालय के प्रशिक्षण कक्ष में प्रोग्रामेटिक मैपिंग पॉपुलेशन साइज इंटीमेशन कार्यक्रम के तहत कम्युनिटी एडवाइजरी बोर्ड के गठन के लिए बैठक आयोजित की गई। इसमें PO डॉ. नीतीश राय ने कार्यक्रम के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए बताया कि NACO भारत सरकार द्वारा HRG की अनुमानित संख्या की गणना के लिए PMPSE प्रक्रिया से करने के लिए गाजीपुर जिले का चयन किया गया है, जिसमें सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट द्वारा संचालित शहरी क्षेत्र के हॉटस्पॉट एवं ग्रामीण क्षेत्रों के जिले के समस्त ब्लॉक के हॉटस्पॉट को चिन्हित कर TI के PR तथा कम्युनिटी मेंबर का चयन कर उनको PMPSE मैपिंग का प्रशिक्षण देकर उनके सहयोग से किया जाएगा। अध्यक्षता DTO डॉ. KK वर्मा ने किया। इस अवसर पर उच्च जोखिम समुदाय ने सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में ज्योति ग्रामीण कल्याण संस्था, जिला चिकित्सालय, IECTC, PPCTC के कार्यकर्ता एवं रक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम के परियोजना प्रबंधक अजय कुमार आदि उपस्थित थे। दुल्लापुर थाना क्षेत्र के जलालाबाद यूनियन बैंक के ठीक सामने सोमवार की सुबह करीब 10:30 बजे बहलोलपुर निवासी ग्राहक सेवा केंद्र संचालक शैलेंद्र कुमार यादव 57,000 तथा उसी के ठीक बगल में दुल्लापुर निवासी विपिन कुमार कंदू 47,000 अपने पैसों से भरा बैग लेकर जलालाबाद में स्थित यूनियन बैंक के ठीक सामने टिन शेड में बैठे थे। दोनों ग्राहकों को आधार कार्ड से पैसे दिए गए थे। इसी दौरान एक बाइक पर दो बदमाश केशरिया गमछा से मुंह बांधे वहां पहुंचे। एक बदमाश बाइक से उतरकर फिनो बैंक संचालक शैलेंद्र कुमार यादव के पास पहुंचा और उस पर तमंचा तानते हुए पैसों से भरा बैग छीन लिया, जबकि विपिन कुमार कंदू पैसों से भरा बैग शैलेंद्र को दिखाकर सामने हो रहे निर्माणाधीन मकान के देखने के लिए गया था। बदमाश ने दोनों बैगों को उठा लिया और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए दुल्लापुर बाजार की तरफ फरार हो गया। सूचना मिलते ही उप निरीक्षक मनोज तिवारी के साथ ही भुड़कुड़ा क्षेत्राधिकारी सुरेश शर्मा के साथ SP सिटी गोपीनाथ सोनी और क्राइम ब्रांच टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस अधिकारियों ने पीड़ितों से घटना की जानकारी ली। पुलिस ने सामने बैंक में लगे CCTV कैमरा फुटेज को देखा। SP सिटी ने बताया कि मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। जल्द ही घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। मानव सेवा के लिए अपने को समर्पित करने वाली संस्था और इंडिया पयामे इंसानियत फोरम गाजीपुर यूनिट द्वारा और मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर GC मौर्य के सहयोग से सदर तहसील के गांव अंधो में स्थित प्राइमरी स्कूल में सोमवार को निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इसमें डॉक्टर यासिर खलील नदवी, डॉक्टर आमिर सिद्दीकी, डॉक्टर कलीमुल्लाह, डॉक्टर सना परवेज, डॉक्टर अभिषेक यादव, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आदि द्वारा मरीजों के स्वास्थ्य की जाँच की गई और दवा दी गई। इस अवसर पर फार्मासिस्ट के रूप में संगीता कुमारी, कमलेश कुमार, संजय कुमार, हरिराम, विजय कुमार आदि उपस्थित रहे। शिविर का लाभ पाकर लोग खुश दिखे। इस मौके पर फोरम के वॉलंटियर्स ने कहा कि मानवता की सेवा में हमें परम सुख मिलता है। आगे भी हम प्रशासन और समाज की चिंता करने वालों के सहयोग से ऐसे आयोजन करते रहेंगे। कार्यक्रम में मौलाना सऊदुल हसन नदवी, आबिद हुसैन, कमर अली, नज्म साकिब अब्बासी, साबिर अली आदि उपस्थित थे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।